इसी कड़ी में समाज सेवी कुबेर राठी के जन्मदिन के मौके पर आमाना का स्थित क्लब में ग्रैंड विजन नेटवर्क के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस मौके पर चेयरमैन श्री होरा ने कुबेर राठी के साथ केक भी काटा। इस मौके पर कुबेर राठी ने चेयरमैन होरा का आभार दिल से जताया है। समाज सेवी कुबेर राठी के जन्मदिन समारोह में ग्रैंड विजन नेटवर्क के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा के साथ कुबेर राठी ने केक काटा। जन्मदिन की बधाई देते हुए चेयरमैन होरा ने कहा कि कुबेर राठी ने समाज सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जो सबके लिए सराहनीय है। अनिल जोत सिंघानी, तेज कुमार बजाज ने भी राठी के कार्यों की सराहना की। हम सब आज इनके लिए कुबेर राठी जी, इनके लिए परिचय की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुबेर राठी नाम ही भगवानों के भक्त और सबकी मदद करने वाले और ऐसे मदद करने वाले कि अपने जितने साथी हैं उनके लिए रात भी लगे रहते हैं, किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ऐसी शख्सियत जो है वो हमारे बीच है, उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज एक ऐसा पवित्र दिन है कि जिस दिन हमारे बड़े भाई कुबेर भैया का जन्मदिन है, गरीबों के मसीहा और सामाजिक ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवा और धार्मिक परिस्थितियों में हर किसी का साथ देने वाले, दोस्तों के दोस्त और गरीबों के साथी, ऐसे हमारे कुबेर राठी जी हैं जिनको हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बधाइयां देते हैं। और ये ताउम्र हम लोग चाहेंगे कि ये इसी तरह युवा रहें और सबकी सेवा करते रहें और दोस्तों की दोस्ती निभाते रहें। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय कुबेर भाई का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने जन्मदात्री इनकी माता को कि इनका नाम जो है बड़े मतलब अच्छे से सोच के जो कुबेर नाम रखा है उसमें बहुत ही बड़ा राज है, क्योंकि ये जहाँ पे हाथ डालते हैं वहाँ लक्ष्मी बरसती है। जिस भी चीज में हाथ डाल दी वो लक्ष्मी बरसती है। ऐसे हमारे मित्र बड़े भाई कुबेर भाई की पहचान मतलब नाम कुबेर राठी बताने की जरूरत नहीं है रायपुर वासियों को, क्योंकि वो हमेशा गरीबों की मदद में आगे हम सदैव तत्पर रहते हैं। और जो रेलवे स्टेशन परिसर में सर्वधर्म समभाव का मंदिर की स्थापना किए हैं उसमें कुबेर राठी जी का प्रमुख योगदान रहा। जन्मदिन के अवसर पे मेरे जो मित्र चाहने वाले लोग आए हैं उनका स्नेह मुझे जो मिला है उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आने से मुझे एक नई एनर्जी मिली और एक नया प्यार मिला। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ आके मुझे समय प्रदान समय दिया।